वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विद्युत कार्य में सामान्य सुरक्षा का प्रावधान क्या है। दोस्तों, ये एक वीडियो सीक्वेंस में बना रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेके, जो पार्ट वन से लेके पार्ट फाइव तक नहीं देखे हैं, पहले पार्ट वन से पार्ट फाइव तक देख लीजिए। उसमें काफ़ी सारा जानकारी जो है आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड मिलेगा, फिर आपको पार्ट सिक्स देखने में मजा आएगा। यदि कोई चीज़ ऐसे छूट गया है तो खतरा हो सकता है बिजली के काम करने के समय। तो पहला आप पार्ट वन से पार्ट फाइव तक देख लीजिए, उससे काफ़ी ऐसे जानकारी दिया गया है जिससे आप इलेक्ट्रिकल काम करते समय यदि वो सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारे चीज़ को मानेंगे, तो कभी भी आपके साथ दुर्घटना नहीं होगा। दोस्तों, ये जैसे मैंने रेफरेंस लिया है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 5216 से, इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो रेफरेंस आता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रहता है, बहुत रिसर्चेबल रेफरेंस रहता है, और उसी को यदि हम मान के चलेंगे, उसी को यदि हम पकड़ के चलेंगे, तो कभी भी हमारे साथ दुर्घटना नहीं हो सकता। एंड दोस्तों, जब भी हम कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी हम मैनेजमेंट को कन्विंस कर रहे हैं, जब भी हम किसी को बता रहे हैं, तो वो जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिकेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि सामने वाले को मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल अपैरेटस जितना भी है, हम उसको कैसे ध्यान से रखेंगे, इसका देखभाल करेंगे, ताकि उससे जो हमको खतरा मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। ऑल पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल अपैरेटस शैल बी रेगुलरली एग्जामिनड एंड टेस्टेड एंड मेंटेन्ड। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अपैरेटस है उसको रेगुलरली हमको एग्जाम करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि वो काम आने टाइम में हमारे यूज में आ सके और हमारे साथ कोई धोखा ना हो सके। पॉइंट नंबर टू में पढ़ेंगे, एंश्योर दैट ऑल पोर्टेबल अप्लायंसेस आर प्रोवाइडेड विद जे पिन प्लग एंड सॉकेट, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है, एंड दैट द मेटल वर्क ऑफ द अपैरेटस इज इफेक्टिवली अर्थ। जो भी उसका मेटल पार्ट रहेगा वो अर्थ होना चाहिए, जो भी इक्विपमेंट का, एंड उसके साथ साथ हम उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए टॉप एंड प्लग का यूज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों कभी कभी ये पूछा जाता है कि कहाँ लिखा है कि इस तरह टॉप एंड प्लॉक को हमको यूज करेंगे। दोस्तों, आप इसी इंडियन स्टैंडर्ड कोड का रेफरेंस देना है और बताना है कि इस तरह टॉप एंड प्लॉक हमको लगाने के लिए ये इंडियन स्टैंडर्ड रेफर करना है। एंड दोस्तों, ऑल लूज वायरिंग सच एज फ्लेक्सीबल केबल्स और फॉर पोर्टेबल लैंप्स टूल्स एंड ट्रेलिंग केबल्स एंड अदर पोर्टेबल एंड ट्रांसफरेबल अपैरेटस शैल बी टेस्टेड रेगुलरली। जो भी छोटे मोटे जितने भी अपैरेटस है, जितना भी ट्रांसफरेबल पोर्टेबल टूल्स है, जितना भी लैंप्स वगैरह है, टूल्स वगैरह है, ये सारे को चीज़ को भी हमको रेगुलरली टेस्ट करना चाहिए फ्रीक्वेंट इंटरवल से, कि वो सारे चीज़ सेफ है कि नहीं है। यदि उसमें कोई डैमेज मिलता है, उसमें कोई लूज कनेक्शन मिलता है, लूज वायरिंग मिलता है, तो हमको तुरंत उसको डिस्कार्ड करना चाहिए वर्क प्लेस से। तो दोस्तों, ये जो ऑडिट करते हैं हम, इंस्पेक्शन करते हैं और कोई चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं, लूज कनेक्शन को हम अवॉइड करते हैं, तभी हमको पता चलता है कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों डिस्कार्ड किए हो। तो आप इसी इंडियन स्टैंडर्ड का रेफरेंस आप दे सकते हो और बता सकते हो कि इस पॉइंट में, इस ये जगह में इस तरह लिखा गया है, ताकि हम सुरक्षित रहे इलेक्ट्रिकल जॉब में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल अपैरेटस जितना भी है उससे कैसे हम बचेंगे, उसका जो खतरा है उस खतरे से हम कैसे बचेंगे, ताकि हमको बिजली का खतरा उसके साथ ना हो, इसके बारे में मैंने बताया। जैसे उसको रेगुलर मेंटेन करना है, रेगुलर एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है, उसके साथ साथ प्लग के साथ ही, टॉप प्लग एंड सॉकेट के साथ ही उसके साथ हमको काम करना है, एंड उसके साथ साथ जितना भी लूज वायरिंग है, फ्लेक्सिबल केबल्स है, वो सबको भी हम बार बार फ्रीक्वेंटली उसको टेस्ट करना है, चेक करना है, ताकि हम सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को बारे में भी ये पता चल सके। थैंक यू।